नमस्कार साथियों, तारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं रवि तिवारी। यह समय आपको मालूम है कि रटलों का है, 5 रटलों हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर प्रश्नों की संख्या के माध्यम से देखें तो प्रश्न तो 250 हैं, लेकिन 5 रटलों के माध्यम से लगभग आप 700 प्रश्नों की तैयारी कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो पीछे जाके उनको देख सकते हैं। 700 प्रश्न का मतलब ये होता है कि दिसंबर जनवरी से लेकर अभी तक के जितने करंट थे हम लोग सभी क्षेत्रों को तैयार कर चुके हैं, आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं। आज के जो प्रश्नों का चयन है उनकी व्याख्या बहुत शानदार तरीके से लिए गए हैं और आज के प्रश्नों के चयन से मैं स्वयं प्रसन्न हूं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया है। आज ये 50 प्रश्न मैं वादा करता हूं, कम से कम 90 प्रश्न आप लोगों को तैयार करके जाएंगे, तो पूरी व्याख्या को सुने। रटलो 6 हम लोग शुरू कर रहे हैं। उससे पहले कुछ जानकारियां मैं आपको प्रेषित कर दूं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि यूपीएसआई का बैच संस्था में चल रहा है, शुरू होने वाला है, प्रारंभ होने को है। यूपीएसआई का बैच संस्था में प्रारंभ होने को है और उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया लगातार चल रही है और आप देख रहे हैं एक सशक्त टीम, उत्तर भारत की एक सशक्त टीम, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी अधिवक्ता 45 वर्ष के अनुभव के साथ आपको मूल विधि पढ़ाने के लिए और उसी के साथ साथ बीएचयू के लॉ एक्सपर्ट आपको संविधान और मूल विधि के एक संज्ञान, मतलब एक जबरदस्त पॉलिस ज्ञान को देने के लिए और पूरे एक एक्सपर्ट्स की टीम। क्योंकि अब की बार टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का उद्देश्य ये नहीं है कि आप सिलेक्शन लें, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने जितने बैच संचालित किए हैं खूब सिलेक्शन आप लोगों के हुए हैं, खूब आप लोग संतुष्ट भी रहे हैं, चयनित भी रहे हैं। लेकिन इस बार व्यक्तिगत मेरा और हमारी पूरी टीम का ये उद्देश्य है, हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का ये उद्देश्य है कि अब की बार हमें रैंकर्स देने हैं। क्या हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में पहली रैंक ला सकें? बिल्कुल है। अभी कल जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो किसी ने कमेंट लिखा था, प्रेमलेंद्र कुमार जी ने, कि सर हम आपके यहां से पढ़े हों और हमारी यूपी में फर्स्ट रैंक है। मैं यूपीएसआई की बात नहीं कर रहा हूं, किसी और एग्जाम में उन्होंने लिखा था कि हमारी फर्स्ट रैंक है। तो क्या इस टीम में जज्बा है कि हम यूपीएसआई के फर्स्ट रैंकर्स बन सकते हैं? मैं आपसे वादा करता हूं कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। अब की बार पहले 5 में से 2 लोग टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के चाहिए। इसी को सोचकर, इसी को कमर कसकर ये टीम तैयारी शुरू कर रही है। इतनी बेहतरीन तरीके, गुणवत्ता से और गुरुकुल मॉडल पे इस बैच में आपको तैयारी करने चल रहा हूं कि ये बैच पिछले सभी बैचों के अनुशासन, गुणवत्ता और क्लासेज के रिकॉर्ड को तोड़ देगा, मेरा ये वादा रहा। तो जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है आप लोगों का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है, बहुत सारे लोग एडमिशन कन्वर्ट करा चुके हैं। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, अभी भी 2-3 दिन का समय बाकी है, 1-2 दिन का, संस्था के द्वारा आपके मैसेज फोन कॉल पर लगातार जो है सूचनाएं आपको दी जा रही हैं। कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं उस प्रक्रिया को भी मैं एक बार बस जल्दी से आपसे डिस्कस कर लूं। ये हमारा नंबर है, आपको अपने मोबाइल में इस नंबर को सेव करना है, व्हाट्सएप पर यूपीएसआई एंट्री लिख के भेज देना है। आप इतना ही कर लीजिए, हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको प्रवेश संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमारे संस्थान के सदस्यों के 12-13 नंबर वहां पर आपको दिए गए हैं, आप उन नंबरों पर फोन कर लें और अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा लें। एक और बात से मैं आप लोगों को आगाह करना चाह रहा हूं, बहुत सारे इधर उधर के लोग आपको मैसेज करें कि ऑफर चल रहा है, चल रहा है, इन सब पे ध्यान नहीं देना है। अगर संस्था की तरफ से इस नंबर से रिप्लाई आए तो ये टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का नंबर है, या नीचे की ये दिए गए जो डिस्क्रिप्शन के नंबर है आप उन्हीं पर फोन करें, नहीं तो संस्थान की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्लियर? आइए शुरुआत करते हैं, प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जल्दी करें, कहीं छूट ना जाए। आइए, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुबह एक्सपर्ट डायलॉग किससे संबंधित है? अभी आपने भारत के महत्वपूर्ण जो न्यूज़पेपर्स है उसमें आपने इस बारे में पढ़ा होगा, सुबह एक्सपर्ट डायलॉग। सुबह क्या है? एक देश है फिजी, उस फिजी की राजधानी है। क्लियर? फिजी की राजधानी है। और ये सुबह एक्सपर्ट डायलॉग जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है बताइए? जलवायु परिवर्तन। तो अब यहां पर बी, सी और डी, अंतरराष्ट्रीय जलीय क्षेत्र, वृहद सिंचाई परियोजना और हथियार, ये तीनों गलत हो जाता है। अब आपका ए सही है। मैं पूरी व्याख्या इसकी करता हूं, जलवायु परिवर्तन के नुकसान और क्षति पर एक अलग एजेंडे हेतु विकासशील देशों की मांग है। जैसे जलवायु परिवर्तन जब होता है तो जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे नुकसान होते हैं और क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति, उस नुकसान की पूर्ति, उसकी क्षतिपूर्ति के आकलन के लिए
वैश्विक रूप से एक मंच पर सुबा एक्सपर्ट डायलॉग का आयोजन किया गया फिजी में, और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इस बार यह वान में आयोजित किया गया था, वान नामक स्थान में आयोजित किया गया था। तो ये सुबा एक्सपर्ट डायलॉग याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, सरकार द्वारा आरंभ की गई सागर निधि पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सरकार द्वारा आरंभ की गई सागर निधि पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहां पर गौर से देखिए, सागर निधि पहल का प्रमुख उद्देश्य है दक्षिण पश्चिमी मानसून अनिश्चितताओं के समाधान की खोज करना। पहले जो मानसून था वो समय रहते आता था, समय रहते वर्षा करता था, और प्रिडिक्शंस बहुत गलत नहीं होते थे। अब आपके प्रिडिक्शंस में विषमता है, ऑडिटी है, और प्रिडिक्शंस काफी गलत होते हैं। तो ये जो है पश्चिमी मानसून की अनिश्चितताओं समाधान की खोज करने के लिए सरकार द्वारा सागर निधि पहल का आयोजन किया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक शब्द में आपसे पूछ लिया जाता है सागर निधि पहल क्या है, तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितताओं की समाधान की खोज करना। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है गज यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। तो यह पहला कथन जो है यह हाथियों के संरक्षण हेतु छोटा नागपुर की पहाड़ी में, यह तो सही है कि यह गज यात्रा हाथियों के संरक्षण हेतु थी, लेकिन यह छोटा नागपुर की पहाड़ी में नहीं थी। पहली बात, यह कहां पर थी? यह गज यात्रा थी मेघालय और गारो की पहाड़ियों पर, मेघालय और गारो की पहाड़ियों पर थी। तो पहला इसलिए गलत है क्योंकि उद्देश्य तो सही है कि संरक्षण हेतु थी, लेकिन छोटा नागपुर की पहाड़ियों पर नहीं थी। दूसरा क्या है आपका, इस अभियान को पर्यावरण बने हुए जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। दूसरा भी गलत है क्योंकि इस अभियान को असम राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। किसके, जो असम राज्य सरकार है और एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन भी इसके साथ है जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ ट्रस्ट, वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इसके साथ है और इन दोनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो ना तो एक ना तो दो। अब जानकारी आपको क्या मिली, गज यात्रा कहां पर है? मेघालय और गारो में। किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है? असम राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आइए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है वह चक्रवाती तूफान जो इस वर्ष के प्रारंभ में भारत के समुद्र तटीय इलाकों में आया, जिससे प्रभावित हुए किसानों, मछुआरों, महिलाओं समूह को, अन्य लोगों को 1600 करोड़ के राहत पैक की घोषणा की गई। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इस वर्ष के प्रारंभ में जिस तूफान का कहर था, जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, उसका नाम क्या था बताओ? फैनी। बंगाल की खाड़ी, फैनी नो जो नाम है वो बांग्लादेश द्वारा दिया गया था, बांग्लादेश द्वारा दिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सांप का फन, सांप का फन या फर, सांप का फन। एक और मैं यहां पे जानकारी आपको दे दूं, एक पेपर में एक जानकारी पूछ गई है कि ये जो नाम रखने की प्रथा है, जैसे किसी तूफान का नाम रखने की प्रथा है, इसकी जो शुरुआत थी वो 1953 से की गई, 1953 से की गई। और कितनी तेज चलने वाली हवा को तूफान माना गया? अगर 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं तो हम उनको तूफान का नाम देते हैं। अगर हाँ, मौसम विज्ञान में अगर 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं तो हम उनको तूफान का नाम देते हैं। नाम रखने की जो प्रक्रिया है वो 1953 से प्रारंभ हुई। जिस देश के आसपास से तूफान उठता है उसी देश की जिम्मेदारी होती है नाम रखने की, और इसका नाम किसने रखा? बांग्लादेश ने रखा, और इसका नाम क्या था? फैनी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह सरकारी इकाई जिसने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप को फंडिंग देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप को फंडिंग देने के लिए 700 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की, नाबार्ड। कौन सी इकाई है? नाबार्ड। नाबार्ड ने अभी ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए 700 करोड़ के बजट का प्रावधान घोषणा की है। आइए छठवां प्रश्न, हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही इंडस फोरम क्या है? देखिए इंडस फोरम क्या है,
दो प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहले देखिएगा इंडस फोरम क्या है, तो देखिए ये पहला गलत है। सिंधु, इंडस का मतलब सिंधु होता है, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होगा। यह जो बी सही है, भारतीय और डच व्यवसायों का ऑनलाइन मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है क्या, इंडस फोरम। तो अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि व्यापार और व्यवसाय तो प्रत्येक देश के आदान प्रदान कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस मेंबर्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक अलग तरह की बात थी। क्या थी? भारतीय और डच व्यवसायों का ऑनलाइन मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म था जिसने इंडस फोरम में तय किया कि व्यापार को बढ़ाना है, लेकिन इस व्यापार को बढ़ाने के साथ वायु प्रदूषण को कम करना है, प्रमुख शर्त में शामिल था। वायु प्रदूषण को कम करना है और स्वच्छ वायु के लिए उपाय करने हैं, मतलब व्यवसाय को बढ़ाना भी है, वायु प्रदूषण को कम भी करना है और स्वच्छ वायु के लिए लगातार उपाय भी करने हैं। आइए, तो भारत और डच व्यापारियों से संबंधित है। सातवां, इसरो द्वारा आयोजित युविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए युविका, पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, युवा विज्ञान कार्यक्रम, युवा विज्ञान कार्यक्रम। कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, कक्षा 9 तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम था। और युवा वैज्ञानिकों का उद्देश्य क्या था? हाँ, यहां पर अंतरिम प्रौद्योगिकी में रुचि क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, जैसे ये लिखा है अंतरिम, ये अंतरिम नहीं है, ये अंतरिक्ष है। युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में रुचि जगाना, इसके लिए क्या था, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें 9 पास विद्यार्थी, लगभग एक राज्य से 3 से 4 विद्यार्थी, और पूरे भारत से प्रत्येक वर्ष लगभग 100 विद्यार्थियों का चुनाव करके उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शुरुआत से ही उनके रुझान को विकसित करना, इसके लिए युवका विकास कार्यक्रम आपका आया, युवका विज्ञान या युवका विकास कार्यक्रम, युवका विज्ञान कार्यक्रम। आइए आठवां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 के पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है। ये बहुत आसान सा प्रश्न एक बीच में आया है, इसका उत्तर आप लोग तेजी से करिए, बताइए क्या होगा। नोवान जोकोविच, कौन है? नोवान जोकोविच, ध्यान रखिएगा नोवान जोकोविच इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, निम्न में से किसने वर्ष 2019 में अपनी स्थापना के 150 वर्षों को पूरा किया। गौर से बताइए, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने बनाया था, आज अच्छे से जानते हैं, और ये 1869 की रचना थी, 1869 की रचना थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और अगर हम इसको देखें मेंडलीफ की आवर्त सारणी को, तो यहां पर ये रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, और इस 1869 से कैलकुलेशन करें तो आवर्त सारणी ने अपने 150 वर्षों को पूर्ण किया है। वहीं 2019 में IUPAC ने अपने 100 वर्षों को पूर्ण किया है। IUPAC ने कितने वर्षों में पूर्ण किया है? 100 वर्षों को पूर्ण किया है। तो यहां पर दो प्रश्न के उत्तर आपका अलग निकल रहे हैं, अगर IUPAC का पूछा जाए तो 100 वर्ष इसके पूर्ण हुए हैं, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जो कि एक रूसी विद्वान थे मेंडलीफ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कितने वर्ष पूरे हुए हैं बताइए। हाँ, इसके हुए हैं 150 वर्ष पूर्ण। आइए अगला दसवां, इंडियन राइनो विजन 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए, पहला क्या लिखा है बताइए, भारत सरकार द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, क्लियर है। एक बात, इसका लक्ष्य गैंडों की संख्या में वृद्धि करना तथा एकल सेकी गैंडों की संख्या को देखशाली व्यवहारहर्ता प्रदान करना है। तो एक बात समझ लीजिए कि यहां पर भारत सरकार द्वारा नहीं, गलत है, असम राज्य सरकार द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। राइनो, अभी आपने क्या पढ़ा था, गज हाथी, वो भी असम राज्य सरकार द्वारा थी। और ये तो यहां पर किसके माध्यम से कर रहा है, WWF के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के माध्यम से असम राज्य सरकार कर रही है। दूसरा, इसका लक्ष्य गैंडों की संख्या में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। इसे असम की राज्य सरकार द्वारा बोडो स्वायत्तशासी परिषद की सक्रिय भागीदारी में WWF भारत के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है।
दूसरा और तीसरा सही है, तो यहां पे उत्तर कौन सा होगा? सी, केवल दो और तीन, कौन सा होगा? सी। क्लियर है? देखिए, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। कब की गई थी? 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य है, और प्रकृति एवं मानव के बीच एक सद्भावपूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार को स्थापित करना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का फंड का प्रमुख उद्देश्य है। आइए 11वां प्रश्न। हाल ही में कर्नाटक के कोलार जिले में होयसल शैली के मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। होयसल शासकों का शासनकाल कर्नाटक में 7वीं से 11वीं शताब्दी तक था, यह गलत है। दूसरा, इनकी वास्तुकला शैली इंडो आर्यन दक्षिण परंपराओं के बीच की है, सही है। तीसरा, इसमें मंदिर निर्माण के लिए बलुआ पत्थर के स्थान पर सेल खड़ी पत्थर का उपयोग होता है। तो यहां पर देखिए, दूसरा और तीसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, पहला सही नहीं है। क्लियर? क्योंकि 12वीं शताब्दी तक थे। वह महिला खिलाड़ी जिसे हाल ही में सीएट महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया, आप लोग उत्तर कर दीजिए, स्मृति मंदाना एक प्रतिभाशाली भारत की युवा क्रिकेटर है, और उनको सीएट महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया। आइए 13वां प्रश्न। वह राज्य जहां पर देश की पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट तैयार की गई, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर होगा। तो छत्तीसगढ़ वो ऐसा राज्य है जहां पर देश की पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट तैयार की गई। आइए 14वां प्रश्न। 18 अप्रैल 2019 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? यह प्रश्न मैं आपको क्लासरूम में भी डिस्कस किया हूं, और रटलो के एक हिस्से में आपको समझा भी चुका हूं। 140वां कौन सा स्थान था बताइए? 140वां, ध्यान रखिएगा। आइए 15वां। चुनाव आयोग ने राफेल डील पर किस भाषा में लिखी गई किताब नट्टई उलुक्कम राफेल के लांच पर रोक लगाई? जब चुनाव 17वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो वहां पर एक किताब आई, उस किताब का नाम था नट्टई उलुक्कम राफेल। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना, और ये तमिल भाषा की किताब थी, और इस तमिल भाषा की किताब पर चुनाव आयोग ने क्या कर दी? रोक लगा दी। 16वां प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे सी बॉक्स के संदर्भ में, देखिए पहले सी बॉक्स के बारे में जान लीजिए। हम देखते हैं कि इस समय 16वें प्रश्न में एक बार आइए बात करते हैं। 16वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सी बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, देखिए पहले सी बॉक्स के बारे में जान लीजिए। सी बॉक्स एक ऐप है। क्या है? ऐप है, जो महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कार्यकारी महिलाएं जो सार्वजनिक स्थानों पर भी जाती हैं, मतलब सरकारी रूप से, और निजी स्थानों पर भी वो कार्य करने के लिए जाती हैं, बहुत सारी महिलाएं, अगर आपको आपके कार्यस्थल पर कोई किसी भी तरह से परेशान करता है या आपसे गलत व्यवहार करता है, तो पूर्ण गोपनीयता के साथ आप सी बॉक्स के द्वारा अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। आपकी लोकेशन से संबंधित स्थान पर बैठे व्यक्ति को पहचान लिया जाएगा, और उस पहचान के साथ उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सी बॉक्स ऐप महिला सुरक्षा से संबंधित है। यहां पर देख लीजिए, यह एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है जिसे महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। इसके तहत केवल सार्वजनिक क्षेत्र की शिकायतों का समाधान किया जाता है। दूसरा गलत है, क्योंकि लिखा है केवल सार्वजनिक क्षेत्र, नहीं, सार्वजनिक और निजी, मतलब सभी महिलाओं का, केवल सार्वजनिक क्षेत्र इसके कारण ही गलत हो गया। सभी महिलाएं, कार्य करने वाली सभी महिलाओं की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। तो केवल एक सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया? मैंने इसकी व्याख्या आपको कर दी है। आइए 17वां प्रश्न लेते हैं। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय, जो विश्व का तीसरा है, भारत के किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई? हम लोग अच्छे से जानते हैं कि गुजरात, भारत के गुजरात राज्य में है, और किस स्थान पर है? बड़ौदरा नामक स्थान पर है।
रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में है, बड़ौदा। आप जानते हैं कि अगर हम टोटल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें या टोटल केंद्र सरकार की सेवाओं को देखें तो 50% से ज्यादा कर्मचारी केवल रेलवे के पास है, है ना। तो रेलवे ने अपना एक विश्वविद्यालय रेलवे विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की, कहां पे? गुजरात बड़ौदा में। आइए 18वां प्रश्न। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग, 17वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग गांव कहां पे है? तो आप हमेशा ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। चुनाव आयोग ने बहुत ऊंचाई पर जाके इस बार चुनाव को संपन्न किया है, हिमाचल प्रदेश में तासीगंग। आइए 19वां, देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? अभी हाल ही में गुवाहाटी को देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन चुना गया। क्लियर, गुवाहाटी आपका सही उत्तर होगा। कुछ फैक्चुअल प्रश्न हैं जिनमें ज्यादा व्याख्या नहीं है। ये मेरी किताब है, मैं बार बार बताता हूं कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये भी मैं बता सकता हूं। आइए मैं एक नंबर आपको देता हूं, 9452275777। आप इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप पे बुक लिख के भेज दीजिए या इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिए। आप भारत में कहीं भी हो, 10 दिन में आपकी किताब आपके घर पहुंच जाएगी। क्लियर है, जबरदस्त ऑफर चल रहा है, एक कॉम जबरदस्त किताब रीजनिंग की किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं, मेरे द्वारा लिखित है और बेस्ट सेलिंग बुक रही है पिछले 2 वर्ष से। ऑफर में भेजी जा रही है, कोरियर फ्री है संस्था के द्वारा। यूएनईपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन द्वारा विश्व के कुल सीमेंट के उत्पादन का कितना भाग तैयार किया जाता है? अभी एक नई रिपोर्ट आई है तो दो तिहाई भाग टोटल विश्व में जितने सीमेंट का उत्पादन होता है उसका 2/3 भाग केवल भारत और चीन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। 20वें प्रश्न का ये उत्तर है 2/3। 21वां प्रश्न, मुंबई से गोवा भारत का पहला लग्जरी क्रूज, एक एडवेंचरस यात्रा करने का अगर आपका मन हो, जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं, है ना, और वो मुंबई से गोवा घूमने जाना चाहते हैं तो आप इस यात्रा को करिए। एंग्रिया इसका नाम क्या है, पहला लग्जरी क्रूज राष्ट्र को समर्पित किया गया जो अत्यधिक सुविधाओं से लैस है, एंग्रिया। आप एंग्रिया में जाइए और सफर करिए। आइए 22वां, हाल ही में आईसीसी ने किस देश को क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? ये क्वेश्चन की बारंबारता फ्रीक्वेंसी कल भी था, आज भी आ गया, जिम्बाब्वे। कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि आईसीसी के अपने मानक हैं क्या, कि देश की सरकार को कार्यकारी बोर्ड में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि जिम्बाब्वे में हस्तक्षेप रॉबर्ट मुगाबे के समय से अत्यधिक था, तो आईसीसी ने बहुत दिन बाद जिम्बाब्वे को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और इस बार जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं था, वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में भी जिम्बाब्वे इस बार शामिल नहीं था। 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2019 प्रदान नहीं किया गया? देखिए पद्म विभूषण जो है दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है राष्ट्र का, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण राष्ट्र का, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो तीजन भाई को दिया गया है, अनिल कुमार मणिभाई को दिया गया है, इस्माइल उमर को दिया गया, कुल 4 लोगों को दिया गया है, और चौथा दिया गया है बलवंत माहेश्वर जी को, बलवंत माहेश्वर जी को। नर्तकी नटराजन को पद्म पुरस्कार तो मिला है लेकिन पद्म विभूषण नहीं मिला, इनको मिला है पद्मश्री। और एक ट्रांसजेंडर है, यह पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर है, पहली ट्रांसजेंडर है नर्तकी नटराज। क्लियर, तो इनको पद्मश्री मिला है ना कि पद्म विभूषण मिला है। आइए 24वां, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? बताइए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश कौन सा था? 24वां प्रश्न का उत्तर तेजी से आप लोग करिए, इस प्रश्न को मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, बताइए कौन सा था? बोलिविया। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में गठबंधन में शामिल हुआ? तो आपका उत्तर क्या होगा? बोलिविया। बोलिविया को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आइए क्रिसिल क्या है? CRICIL भारत की एक बीमा कंपनी है, इसरो का एक प्रोजेक्ट है, रेलवे मंत्रालय की एक पहल है, भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं।
क्रिसिल जो है भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां है। 26वां प्रश्न, अभी हाल ही में श्रीलंका का कौन सा पहला उपग्रह लॉन्च किया गया? अभी हाल ही में श्रीलंका का कौन सा पहला उपग्रह लॉन्च किया गया? रावण वन। कौन सा? रावण वन श्रीलंका का पहला सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किया गया। 27वां प्रश्न, लेखक राणा दास गुप्ता को उनके किस उपन्यास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? दो प्रश्न यहां से निकल रहे हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला प्रश्न निकल रहा है क्या कि वर्ष 2019 के लिए साहित्य का प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको मिला? राणा दास गुप्ता को। क्लियर। और किस उपन्यास के लिए मिला? सोलो। उपन्यास का क्या नाम था? सोलो। सोलो उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। 28वां प्रश्न, 15वें वित्त आयोग की समय अवधि क्या होगी? 2020 से 2025। ध्यान रखिएगा 2020 से 2080। दो प्रश्न यहां से बनते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से थे? केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और 15वें वित्त आयोग की जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, भारत सरकार के सचिव रहे हैं प्राचीन एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं। इनके अलावा 4 सदस्य और नामित किए गए हैं। और इसकी समय अवधि क्या होगी? 2020 से 2025 होगी। कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ की थीम क्या है? देखिए कारगिल 26 जुलाई को, याद रखिएगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 20 वर्ष पूरे हो गए। इसकी थीम थी रिमेंबर। भारत में ये सभी प्रमुख सैनिक जो है जो आपके स्थान हैं और सभी सेनाओं ने इसको जम के सेलिब्रेट किया। और इस आयोजन की थीम क्या थी? रिमेंबर रिज्वाइस और रिन्यू। रिमेंबर रिज्वाइस एंड रिन्यू। आइए, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 38% था जो मौजूदा समय में कितने प्रतिशत हो गया? देखिए आपको जान के आश्चर्य हो गया कि मौजूदा समय में 99% से अधिक हो गया। 2014 में जब शौचालय निर्माण शुरू हुआ था तो लोगों के एटीट्यूड में ये नहीं था। तो लोगों के एटीट्यूड में जब ये चीज आई और इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया और राष्ट्रीय जो है इसको मुद्दा बनाने के बाद सभी मंत्रालयों ने, सभी अधिकारियों ने और व्यक्तियों जब जागरूक हुए और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हुए जागरूक हुए, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 से लेकर अब तक लगभग 9,36,00,000 नए शौचालयों का निर्माण हुआ है। और यह अब ये 99% से अधिक है। कितने प्रतिशत से अधिक है? 99% से अधिक है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है, 99% से अधिक है। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसवां प्रश्न पर बात करते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 38% था जो मौजूदा समय में कितना हो गया? मौजूदा समय में 99% से अधिक है। आपको जान के आश्चर्य हो गया कि 2014 में जब हम लोगों ने लक्ष्य रखा था शौचालय निर्माण करने का और भारत देश को खुले में शौच से मुक्त देश बनाने का, ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त अवेयरनेस हुई और अधिकारियों ने, मंत्रालयों ने और हम सभी ने प्रेरित करने का कार्य किया, लोगों को समझाने का कार्य किया। और आज जब ये हमारे एटीट्यूड में आया, हमारे देश के एटीट्यूड में आया, तो आपको जान के आश्चर्य हो गया कि 9 करोड़, 2014 से लेकर अब तक लगभग 9,60,00,000 नए शौचालयों का निर्माण हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 99% से अधिक स्वच्छता कवरेज 38% था जो कि अब 99% से अधिक इसकी दर हो गई है। आइए 31वां प्रश्न है, हाल ही में सिनामुंग पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह पर्वत किस द्वीपीय देश में है? यह इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है। आपको जान के आश्चर्य हो गया कि सुमात्रा प्रांत है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखें तो ये सुमात्रा प्रांत में है। और इंडोनेशिया में ऐसे 129 सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है।
129 सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ऐसे हैं इंडोनेशिया में, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, 129 है। आइए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, कौन से 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे? देखिए 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को चुना गया, जो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और मध्य प्रदेश के एक जिला है टीकमगढ़। ये टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, और इन्हें प्रोटेम स्पीकर चुना गया है, प्रोटेम स्पीकर। 33वें प्रश्न को देखते हैं। आइए, लिखा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पहला, 28 जून 2019 को पेश प्रस्ताव मृत्युदंड और यातना के प्रयोग होने वाले सामानों के संदर्भ में था, बिल्कुल सही है। प्रस्ताव में उक्त सामानों के व्यापार को समाप्त करने की संभावना का पता लगाने का प्रस्ताव था, यह भी सही है। इस प्रस्ताव पर मतदान से भारत अलग रहा, यह भी सही है। क्लियर, तो ये जो प्रस्ताव था इससे भारत अलग रहा, तो इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी सभी हो जाएगा। 34वां, हाल ही में भारत और इटली ने किस लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित करने का निर्माण किया? क्लियर, फास्ट ट्रैक प्रणाली, भारत और इटली के बीच एक संबंध हुआ, फास्ट ट्रैक प्रणाली को स्थापित करने का वो हुआ किस चीज के लिए? अगर हम लोग कहें किस चीज के लिए, तो आपका उत्तर होगा, बताइए, निवेशकों और कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि परस्पर निवेश की भावना का विकास हो सके और व्यापार आगे बढ़ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके। 35वां, विश्व का सबसे बड़ा वर्ण और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान कहां स्थापित किया गया? ढाका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश ढाका में विश्व का सबसे बड़ा वर्ण और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान स्थापित किया गया। 36वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का युद्ध पोत INS तर्कस ने किस देश की यात्रा की? मिस्र की यात्रा की और ये मिस्र के एलेक्सजेंड्रिया बंदरगाह पहुंचा, है ना। आपस में नौसेनाओं के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए यह जो है यात्रा की गई थी, और भारत के INS तर्कस ने मिस्र की यात्रा की, एलेक्सजेंड्रिया बंदरगाह पहुंचा। 37वां, अमेरिका ने किस वर्ष भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में मान्यता प्रदान की थी? बताइए, यह प्रश्न तो आसान है, 37वां प्रश्न है। निम्न में से किस वर्ष, इस वर्ष की एक परीक्षा में पूछा भी गया है 37वां प्रश्न, बताइए। 2016 में प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में मान्यता प्रदान की थी। 38वां, चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? बताइए, चागोस द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अभी आप लगभग हर मैगजीन में देखेंगे इस महीने की इसके बारे में बात आएगी, क्योंकि ये विवाद का विषय है तीन देशों के बीच, है ना। पहले तो देखिए, समझ लीजिए, चागोस द्वीप समूह के बारे में बात कहें तो इससे पहले जो चागोस द्वीप समूह था, चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के अधिकार क्षेत्र में था इससे पहले। क्लियर, अगर इस प्रश्न का उत्तर देखें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हिंद महासागर। चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के प्रभाव क्षेत्र में पहले था, लेकिन चागोस द्वीप समूह काफी दिनों से अमेरिका और ब्रिटेन के लिए सैन्य गतिविधियों का एक प्रथम स्थान रहा है। ये अपनी सैन्य परीक्षण और कई सैन्य ठिकानों को यहाँ पे बनाते रहे हैं, और अपने सैन्य गतिविधियों के लिए उन्होंने चागोस द्वीप का उपयोग किया। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और ब्रिटेन को हिदायत दी गई है, सूचना दी गई है कि वो जल्द ही चागोस द्वीप से अपने नियंत्रण को पूरी तरह से छोड़ के समाप्त कर दे ब्रिटेन के लिए। क्लियर, आइए 39वां, हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के जल विज्ञान आंकड़े साझा करने की पुनः शुरुआत की। चीन ने किस वर्ष इन आंकड़ों को साझा करना बंद कर दिया था? 2017 में। आप सभी जानते हैं जब डोकलाम विवाद हुआ था, तो डोकलाम विवाद के बाद चीन ने इन आंकड़ों को साझा करना बंद कर दिया था, और 2017 के बाद पुनः चीन ने इन आंकड़ों को देने की शुरुआत की है। 40वां प्रश्न,
हाल ही में विश्व की किस संसद द्वारा सर्वप्रथम जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई? सर्वप्रथम जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला जो राज्य था, वो देश था, वो ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन है। पहला राज्य ब्रिटेन, पहला देश ब्रिटेन है और दूसरा देश आयरलैंड है। पहला देश ब्रिटेन है और दूसरा देश आयरलैंड है। और कुल विश्व के दो ही देश ऐसे हैं जो जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं, ब्रिटेन और आयरलैंड। तो इसका उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन होगा 40वें का। 41वें प्रश्न को पढ़ लीजिए। आइए, 40वें का उत्तर ब्रिटेन है। 41वें प्रश्न को पढ़ लीजिए। लिखा है, आलू के उत्पादन से कौन सी क्रांति से संबंधित है? हाँ, आलू का उत्पादन मतलब गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। अब एक प्रश्न आपसे यहां से पूछा जाता है, आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई? आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई? शिमला में। एक इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे, आलू कहां से भारत में आया? पुर्तगाल से 16वीं सदी में पुर्तगाल से आलू भारत में आया और ये पुर्तगाली फसल थी। ठीक है, तो पुर्तगाल से भारत में आया। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे है? शिमला में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन फर्रुखाबाद में होता है। कहां होता है? फर्रुखाबाद में होता है, ध्यान रखिएगा। आइए, 42वां प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति की घोषणा की गई। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है बताइए? तिलहन उत्पादन में है। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो भारत के 23 राज्यों के 337 जिलों में पीली क्रांति जोर शोर से चल रही है या पीली क्रांति को चलाया जा रहा है। 23 जिलों के 337 जिलों में जहां पर तिलहन का उत्पादन हो सकता है या जहां पर तिलहन के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं हैं। दामिनी ऐप का संबंध किससे है? देखिए, भारतीय मौसम विज्ञानी विभाग द्वारा ये जो ऐप बनाया गया है दामिनी, इसका संबंध बिजली के गिरने से है। दामिनी ऐप क्या करता है? बिजली के गिरने के कुछ समय पूर्व ही आपको इस खतरे से आगाह कर देता है कि मौसम खराब होने वाला है, ताकि जान माल की सुरक्षा किया जा सके और बहुत बड़े नुकसान से बचाया जा सके। तो भारतीय विज्ञान एवं मौसम विभाग का ये ऐप है, बिजली गिरने से संबंधित है। आइए, 44वां प्रश्न, केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई? दीक्षा। दीक्षा शिक्षकों की जीवन शैली को अपडेट करने के लिए, उन्हें और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षकों के लिए मानव संसाधन विकास द्वारा जो ऐप लागू किया गया उसको हमने क्या कहा? दीक्षा। 45वां प्रश्न, विधानसभा चुनाव में शिकायतों का निस्तारण और प्रत्याशियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निर्वाचन आयोग का जो ऐप था उसको आपने क्या कहा? समाधान ऐप। समाधान ऐप ने इस बार भी 17वीं लोकसभा विधानसभा के चुनाव में खूब जो है बावड़ी बटोरी। एक और चुनाव आयोग का ऐप था सी विजिल, जिसको हम कहते हैं सी विजिल, तो समाधान भी चुनाव आयोग का ऐप था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? ये 2020 से जो है कारोबार ग्रहण करेंगी, चंद्रमा साहा। आई चंद्रमा साहा। 47वां प्रश्न, हाल ही में स्टार स्ट्राइकर डियोगो फोरलान ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। क्षमा करिएगा। 47वां, हाल ही में स्टार स्ट्राइकर डियोगो फोरलान ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित थे? देखिए, उरुग्वे से संबंधित थे। ये उरुग्वे से संबंधित थे और 2010 के फीफा विश्व कप में इन्होंने सर्वाधिक 5 गोल किए थे, इसलिए इनको याद भी रखा जाता है। इन्होंने हाल ही में अभी क्या कर लिया? संन्यास ले लिया, ध्यान रखिएगा। ये कहां से संबंधित थे? उरुग्वे से संबंधित थे। आइए, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस्पात स्मार्ट द रथ का लोकार्पण किया। पटनायक ने इस्पात स्मारक दरथ क्या है? उड़ीसा की संस्कृति और व्यवहार, उड़ीसा की संस्कृति व्यवहार प्रगतिशीलता के बारे में यह एक स्मारक है जो दरथ बताता है, और इसको भुवनेश्वर में क्या बनाया गया। तो दरथ किससे संबंधित है? उड़ीसा किससे संबंधित है? संस्कृति लोकाचार और व्यवहार से संबंधित है और इनकी प्रगति को दिखाता है।
हाल ही में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया? 10-15 दिन पहले की बात है। रवि शास्त्री जी को दूसरा कार्यकाल दिया गया। आइए रवि शास्त्री। 50वां प्रश्न है, हाल ही में दूरदर्शन समाचार एंकर नीलम शर्मा जी का निधन हो गया। उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप लोग अच्छे से जान लीजिए 2018 में। और 2018 में जब ये पुरस्कार दिया गया था, हमारे राष्ट्रपति थे महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, है ना, महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी। तो ये आज के 50 प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। आप कहां से हमें देख रहे हैं, और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, क्या हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम उत्तर प्रदेश एसआई में पहली रैंक ला सकते हैं? हम लोग इस प्रयास की तरफ बढ़ चुके हैं। आइए आप अपने आसपास के लोगों को सूचित करिए, कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन से बेहतर प्लेटफॉर्म टॉप रैंकर बनने चल रहे हैं। ये नंबर है, एंट्री लिख के भेजिए और हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़िए, प्रवेश प्रारंभ है। आज के लिए रटलो में मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सकारात्मक सहयोग और कमेंट बनाए रहें। मैं ऐसे ही आपके लिए रटलो सीरीज लेके आता रहूंगा और जबरदस्त हम लोग इस पर काम करते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।